नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक नया डेवलपमेंट चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक नए तरह के संगठन की घोषणा की है। ये संगठन एक सुरक्षा बल संगठन है। इसके बारे में मीडिया ने ज़्यादा चर्चा नहीं की है, अखबारों में भी इसे इतना हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन इसके गठन से प्रदेश के एक खास विशेष तबके में, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज में, मुस्लिम्स में एक बेचैनी है और उन्हें यह लग रहा है कि योगी की सरकार उन्हें उनके ऊपर सख्ती करने के लिए ये एक नया हथियार लेकर आ रही है। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में जो पीएससी का संगठन है, पीएससी का गठन है, जो सुरक्षा बल है, उसे पहले से ही ये एक अवधारणा बन चुकी है कि ये एंटी मुस्लिम है। और कुछ घटनाएं ऐसी दो पिछले 3-4-5 दशकों में ऐसी हुई हैं कि उन घटनाओं के बाद से पीएससी को एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। और स्टेट में जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हों, बसपा की हों, इन्होंने पीएससी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। और इस संगठन का जो सही इस्तेमाल होना था, इस सुरक्षा बल का, वो नहीं किया जा सका। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक और नया सुरक्षा बल सामने लाने का ऐलान किया है। इसको दिया गया है नाम उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, UPSSF। और इसके गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, मतलब ये अपने अस्तित्व में आ चुका है। और इसके बारे में अगर जो मैं डिटेल्स आपको बताऊं, तो इसका बताया गया है इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में होगा और इसमें ADG के अलावा, यानी कि जो एक महानिदेशक स्तर का अधिकारी है, वो इसे हेड करेगा। इसके अलावा इसमें IG DIG जैसे अधिकारियों की तैनाती भी हो रही। और इस बल की शुरुआत में PSC से 5 बटालियनों को लिया जा रहा है, यानी कि जो इसमें शुरुआत में जो इसकी फोर्स है वो PSC से उधार ली जा रही है। और इसमें सीधी भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दिया गया है। गृह विभाग के अनुसार शुरुआत में इसमें 9,919 जवान होंगे। इन पर एक वर्ष में 1,747 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस संगठन की सबसे जो विशेष बात है, जिस बात को लेकर जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, सबसे ज़्यादा चर्चाएं इस वजह से हो रही हैं कि इसमें एक ऐसा अधिकार इसको दिया गया है, इस संगठन को, इसके सदस्यों को, कि ये बिना किसी मजिस्ट्रेट वारंट के किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं और किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। इस एक क्लॉज ने ही राजनीतिक हलकों में बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है। कई राजनीतिज्ञों ने इसकी आलोचना की है, इसके अलावा मीडिया का एक वर्ग, पत्रकार, ये लोग भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। और ख़ासतौर से जो मुस्लिम वर्ग है उसमें असहज स्थिति है से लेकर, और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम्स का एक वर्ग ये मान रहा है कि ये उन पर थोपा जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उनके खिलाफ होने जा रहा है। वैसे जो सरकार ने बनाया है इसे, इस संगठन को, UPSSF को, तो इसके लिए कई और भी प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि UPSSF के जो जवान हैं उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी अलग तरह की, और इन जवानों को मेट्रो, ट्रेन, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है जो सरकारी, ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थलों, न्यायालयों, ऐसी स्थानों पर भी इनकी पोस्टिंग की जाएगी, जिस तरह के वहाँ पर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देख सकें और वहाँ के तमाम इंतजामात को देख सकें। लेकिन इसको लेकर जो सबसे ज़्यादा बेचैनी है वो खासतौर से विपक्षी दलों में है। समाजवादी पार्टी ने इसकी कड़ी आलोचना की है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि SSF नहीं, ये धोखा है, सत्ता की ताकत से संवैधानिक अधिकारों के दमन की साजिश है। यूपी में ठोक दो संस्कृति के तहत अब जिसे चाहे जब चाहे उठा लो, ना वारंट, ना बेल, ना सबूत, ना सुनवाई। जिस पर CM की निगाह टेढ़ी हुई उसी की शामत आई। मानवाधिकार और असंवैधानिक अधिकारों का हनन है ये काला कानून। इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं और इसकी आलोचना की जा रही है। और इसके खास बात और भी है दोस्तों, इसमें ये एक और भी है कि इसमें जो जितने भी सदस्य इसमें तैनात होंगे इस फोर्स में, उन्हें हर समय ड्यूटी पर माना जाएगा। इसमें एक स्पेशल क्लॉज ये भी है
मतलब उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक 2020 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या उसकी गैर मौजूदगी में नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट के साथ ले जाना होगा। सुरक्षा बल का हरेक सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा, उन्हें राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है। और इसके अलावा कई और भी इसके इस्तेमाल करने की सरकार की योजना है। बहरहाल अगर इसको राजनीतिक रूप से देखा जाए तो राजनीतिक रूप से इसकी आलोचना हो ही रही है और कई लोगों ने इसकी आलोचना की है। और मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं आफरीन फातिमा, उनके मैं कुछ ट्वीट्स के थ्रू जा रहा था, कुछ ट्वीट्स मैं उनके पढ़ रहा था, तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये मुस्लिमों पर इसे थोप रही है और इसका निश्चित रूप से मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाना है। ये इसमें साथ ही ये भी लिखा है इन्होंने कि इट कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एंड रेड एनी हाउस विदाउट सर्च वारंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव ऑलवेज बीन एंटी मुस्लिम। उनका कहा है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो कानून को लागू करने वाली एजेंसीज हैं, वो इस देश में हमेशा एंटी मुस्लिम रही हैं और दे ऑलवेज यूज ब्रूटल लाइफ थ्रेटनिंग फोर्स विद मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिमों की जान को माल को खतरा है और हमेशा इनका दुरुपयोग ही होता रहा है। पत्रकार हैं एक रोहिणी सिंह, उन्होंने लिखा है कि यह तानाशाही के एक नए युग की शुरुआत है। योगी सरकार ने विशेष सुरक्षा बल SSF का गठन किया। SSF आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, यह एक असंवैधानिक एवं लोकतांत्रिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा है कि इसका संज्ञान लिया जाए। इसके अलावा शिवसेना की जो राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है और उन्होंने इसे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की बात कही है। बहरहाल अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नए बल का गठन कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि आने वाले समय में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और ये संगठन किस तरह से, ये सुरक्षा बल किस तरह से फंक्शन करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और ख़ास तौर से ये भी देखने वाली बात होगी कि किन किन मामलों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दंगा फसाद के मामलों में किया जाएगा या किसी भी ऐसे मामले में किया जाएगा कि इसके पीछे लॉजिक भी है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि अपराधी अपराध करने वाला है ये जानता है, मतलब पुलिस प्रशासन ये जानती है, इंटेलिजेंस के पास सूचना होती है कि कोई अपराध होने वाला है या कोई अपराधी प्रदेश से भागने वाला है या कहीं कोई बड़ी घटना की प्लानिंग हो रही है, लेकिन वो जो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है उसकी वजह से ये चीज़ें अटक जाती हैं और अपराधी हाथ से निकल जाता है। इस तरह का कानून योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाया है कि जिससे कि इन सुरक्षा बलों को ताकत मिले, मजबूती मिले और ये बेखौफ होकर अपना काम कर सकें। बहरहाल आने वाले समय में इस SSF की कठिन परीक्षा होगी और अगर ये निष्पक्ष रूप से काम करेगी तभी अपनी इमेज बिल्डअप कर पाएगी, वरना हो सकता है कि इस पर भी कल PSC की तरह टप्पा लगा दिया जाए कि ये एंटी मुस्लिम है और आने वाले समय में इसका इस्तेमाल ही ना किया जाए या फिर ये संगठन यूजलेस हो जाए। ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी। हम इस बारे में बात करते रहेंगे। देखते रहिए आप हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड हिट द बेल आइकन।